हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, जाके देखिए। एक पर्टिकुलर स्टॉक्स जहां पर मुझे टारगेट 4500 रुपए का स्टॉक्स है, बट 10,000 के टारगेट साफ नजर आते हैं। और हम बात करें इस वीडियो की, तो दो ऐसे स्टॉक्स जहां पर एक के बदले या तो 5 या एक के बदले 10 शेयर आपको मिलते हुए नजर आएंगे। मींस स्टॉक स्प्लिट की न्यूज है और यहाँ पर आपके पैसे बेहतरीन तरीके से बढ़ते हुए नजर आएंगे और टारगेट भी ऊपर नजर आते हैं। बहुत पहले यहाँ पर दोनों से रिलेटेड वीडियो लास्ट क्वार्टर में बनाई थी, ओके। और अब यहाँ पर आपको प्राइस राइज तो हो गई उन शेयर में, बट अगर एक बार स्प्लिट हो गया ना, तो याद रखिए ये शेयर और बेहतरीन तरीके से भागते हुए नजर आएंगे और आपके पैसे मल्टीबैगर बनते हुए नजर आएंगे। कौन से स्टॉक्स है, क्या हमें यहाँ पर बैट करनी चाहिए या नहीं, हमें पोजिशनल ट्रेडिंग पे जाना चाहिए या नहीं, तो उससे रिलेटेड बात करेंगे। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े चाहूंगा, इन्वेस्ट फॉरएवर जो कि आपका चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि फौरन तौर पे आपको इस तरीके की वीडियो मिलती रहे। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें। वीडियोज आती रहती है, यहाँ पर वीडियोज जाके देखिए, एज वेल एज यहाँ पर इस पर्टिकुलर नंबर दे रखा है, इस पर्टिकुलर नंबर पे आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और हमारी सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं और अच्छे खासे पैसे मार्केट से बनते हुए नजर आएंगे। तो दो स्टॉक्स जहाँ पर न्यूज है, तो सबसे पहले स्टॉक्स की हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये शेयर कितने रुपए का चल रहा है, ये शेयर चल रहा है 3900-3700 रुपए का, ओके। एज वेल एज यहाँ पर 4590 रुपए पे 18 अक्टूबर को ये शेयर गया था। इससे पहले मैंने आपको ये शेयर दिलाया था, ओके, 3500 के आसपास शेयर ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया, दोबारा 3500 पे आया, अभी 3900 पे चल रहा है और 2500 रुपए के आसपास यहाँ पर अगर बात करें, 2500 रुपए के आसपास यहाँ पर 52 वीक लो यहाँ पर चल रहा है। और यहाँ पर बहुत बार हम यहाँ पर पोजिशनल ट्रेडिंग ऑलरेडी कर चुके हैं, जहाँ पर हमने 20-20-30-30% के जो हमारे टारगेट थे वो अचीव हुए हैं। और यहाँ पर बात करें डिलीवरी क्वांटिटीज, तो यहाँ पर देख सकते हैं 34% के शेयर यहाँ पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर दिखाई दिए। यहाँ पर जो इस न्यूज के रिलेटेड मैं बात कर रहा था, यहाँ देख सकते हैं कल के दिन ही यहाँ पर बताया स्टॉक स्प्लिट। तो यहाँ पर कंपनी का नाम क्या है, जुबिलियन फूड वर्क्स लिमिटेड हैज इन्फॉर्म द एक्सचेंज अबाउट स्टॉक स्प्लिट। यहाँ पर देखिए कंपनी के रिजल्ट आने हैं, ओके, फाइनेंशियल रिजल्ट और स्टॉक स्प्लिट कब, 2nd of Feb, तो मतलब 2 तारीख को, 2 फरवरी को यहाँ पर न्यूज, यहाँ पर रिजल्ट आएंगे और रिजल्ट के टाइम ही कंपनी को स्टॉक स्प्लिट किया जाएगा। कंपनी बेहतरीन है, यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का डिविडेंड स्ट्रक्चर किस तरीके से कंपनी यहाँ पर डिविडेंड देती हुई नजर आती है। यहाँ पर 41% के शेयर, 42% के शेयर प्रमोटर्स के पास है और केवल 1.49% के शेयर ही यहाँ पर गिरवी रखे हुए हैं, ओके। एज वेल एज यहाँ पर बातें करें कुछ और चीजों की, तो देखिए यहाँ पर फेस वैल्यू है 10। फेस वैल्यू 10 का मतलब है या तो कंपनी अपने शेयर को 10 भाग में तोड़ देगी या मिनिमम यहाँ पर 5 times यहाँ पर 5 बार 5 उसमें तोड़ सकती है, या तो 1:1 में, ओके, या फिर 1:10 में या 1:5 में, इस तरीके से आपको यहाँ पर 1 के बदले 5 या 1 के बदले 10 इस तरीके से शेयर यहाँ पर मिलते हुए नजर आएंगे। तो अगर ये 4000 पे शेयर चल रहा है, मुझे लगता है कि ये लगभग तब तक 5000 रुपए तक ये शेयर चले जाएगा और 5000 से अगर ये डिवाइड होता है तो याद रखिए यहाँ पर या तो 500 रुपए का शेयर हो जाएगा या फिर ये 1000 रुपए के शेयर के आसपास आ जाएगा और उस टाइम यहाँ पर वॉल्यूम आएगा और जब वॉल्यूम आएगा तो चीजें यहाँ पर बदलती हुई नजर आएगी। जुबिलियन फूड वर्क्स की बात करूं तो जुबिलियन फूड वर्क्स के रिजल्ट लास्ट टाइम किसी को पसंद नहीं आए थे, बट मैंने कहा था यहाँ पर बाइंग करने के लिए। क्यों कहा था, कंपनी काफी बेहतरीन है। कंपनी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब पिज्जा की बात आती है तो लोग यहाँ पर पिज्जा नहीं कहते, यहाँ पर पिज्जा हट नहीं कहते, यहाँ पर ओवन स्टोरी नहीं कहते, यहाँ पर मोजो नहीं कहते, यहाँ पर सिंपल कहते हैं भाई हमें डोमिनोज खाना है, ओके। और डोमिनोज एक बेहतरीन बड़ा ब्रांड है, इस चीज को आपको यहाँ पर समझना होगा। एज वेल एज ये कंपनी जितनी भी इंडिया में डोमिनोज के स्टोर्स है सबको यहाँ पर हैंडल करती है। डंकन्स डोनट, यहाँ पर 2 different फूड वर्क सेगमेंट में कंपनी काम करती है एंड ऑल्सो लॉन्च इट्स फर्स्ट होम ग्राउंड ब्रांड होंग्स किचन के नाम से भी ये चाइनीज क्यूजन यहाँ पर बनाते हुए नजर आया है। कंपनी के मार्केट कैप 51,000-52,000 करोड़ के आसपास है, लार्ज कैप कंपनी है, शेयर प्राइस ऑलरेडी यहाँ पर हाई पे चल रहा है और इसी तरीके से अच्छी कंपनी के शेयर चलते हैं। कंपनी के पास लगभग 100% का यहाँ पर डेट है, 16% और 18% का यहाँ पर ROC ROE है, बट कंपनी बेहतरीन है। 4600 से यहाँ पर शेयर यहाँ पर गिर के लगभग 3900 रुपए के आसपास यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख सकते हैं, कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न एक बेहतरीन चार्ट पैटर्न है और ऐसी चार्ट पैटर्न में कंपनी में अगर आप लॉन्ग टर्म में पैसे लगाते हैं तो बेहतरीन पैसे बनते हैं। और गिरावट की बात करें तो ऐसी गिरावट देखिए होती रहती है, यहाँ पर गिरावट हुई फिर यहाँ पर
छोड़ भाग के यहाँ गिरावट हुई, फिर यहाँ भाग के यहाँ पर ये गिरावट हुई, ये गिरावट हुई, ये गिरावट हुई, बट ये गिरावट यहाँ पर थोड़े टाइम की होती है, टेम्परेली गिरावट होती है, ओके। और उसके बाद जब रिजल्ट मिलते हैं तो अच्छे खासे रिजल्ट मिलते हैं और आपके पैसे अच्छे खासे बढ़ते हुए नजर आते हैं, और जब चीजें गिरती है तब खरीदेंगे तो यहाँ पर पैसा बनता हुआ नजर आएगा। लास्ट वीडियो बनाई थी, नाउ बी ग्रीडी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वॉरेन बफेट का कोट भी है, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। तो इसका सिंपल सा मतलब है, तो जब यहाँ पर शेयर गिरा हुआ है तो यहाँ पर अभी खरीदेंगे तभी यहाँ पर फायदा होता हुआ नजर आएगा, और ऊपर के लेवल पर लेंगे फिर फंसते हुए नजर आएंगे। चाहे स्विंग ट्रेड कर लीजिए, लॉन्ग टर्म कर लीजिए, हमेशा नीचे के लेवल पे शेयर खरीदने की कोशिश करें। सेल्स की बात करें तो लास्ट टाइम की जो सेल्स थी वो हाईएस्ट एवर सेल्स थी। लोग कह रहे थे रिजल्ट पसंद नहीं आए जस्ट बिकॉज ऑफ सम मार्जिन्स और जो भी है, बट यहाँ पर हाईएस्ट एवर सेल्स थी। मैंने खरीदवाया था, उसके बाद शेयर भागा भी था। यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें वो हाईएस्ट एवर था, जब यहाँ पर क्वार्टरली एज वेल एज एनुअली बेसिस पे यहाँ पर चीजें अच्छी खासी होती हुई नजर आई थी, तो यहाँ पर समझ में आता है कि कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रही है, और जो गिरावट होती है वो फिर टेम्परेली है। यहाँ पर ईयरली बेसिस पे बात करें कंपनी का, ईयरली बेसिस पे यहाँ पर 10 टाइम्स कंपनी हो गई है। यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट्स आ रहे हैं, तो जब हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट आ रहे हैं पिछले 12 महीने में, कंपनी का यहाँ पर अच्छे खासा ग्रोथ हमें नजर आता है, कंपनी की हिस्ट्री नजर आती है, तो ऐसी कंपनी जब स्टॉक स्प्लिट की न्यूज साथ में है तो न्यूज का तड़का जब यहाँ पर लग जाता है तो याद रखिए पैसा तो बंद नहीं है। रिजर्व्स की बात करें, रिजर्व्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, कंपनी के पास थोड़ी सी बोराइंग इस बार थोड़ी 2020-21 में थोड़ी ज्यादा होती हुई नजर आ रही है, जस्ट बिकॉज कंपनी अब शायद अपने आप को एक्सपेंड कर रही होगी, और यहाँ पर ऐसी कंपनी है जहाँ पर कोरोना में बंद रही है तो थोड़े बहुत क्राइसिस हो सकते हैं, बट कंपनी का इतना पैसा है कि यहाँ पर कंपनी अपने आप को डेट फ्री कर सकती है, कोई इशू नहीं है। वर्किंग प्रोग्रेस में 37 करोड़, इन्वेस्टमेंट 814 करोड़, कैश की बात करें कंपनी का 429 करोड़ का कैश है, और ये सबसे ज्यादा बिकने वाला ब्रांड है, ओके, तो इसके ऊपर बिलीव कर सकते हैं। कैश जो भी पैसा आता है यहाँ पर बुक में दिखाई देता है, हमेशा पॉजिटिव रहा है। आरओसी यहाँ पर थोड़ा सा घटता हुआ नजर आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ पैंडमिक, जैसे ही पैंडमिक खत्म होगा सब कुछ नॉर्मल चलेगा तो दोबारा यहाँ पर 33-44% का जो ये आरओसी आरओई रहा है तो यहाँ पर उसी तरीके से कंपनी आ जाएगी बैक टू वर्क। यहाँ पर और कुछ बात करें, प्रमोटर्स की होल्डिंग 42% के आसपास है, एफआईज देख लीजिए एफआईज 42% के आसपास है, डीआईएस की बात करें डीआईएस यहाँ पर 11% के आसपास है, बल्कि हिस्सेदारी बढ़ाई है, पब्लिक की हिस्सेदारी केवल और केवल 5% है, तो 5% में भी यहाँ पर अगर 5% की बात करें, 5% में ऑपरेटर इस शेयर को कहां से कहां ले जा सकता है वो आपको खुद समझना चाहिए। इसके अलावा हम चार्ट की बात कर लेते हैं, जुबिलियन फूड वर्क्स आपके सामने है, डोमिनोज का ब्रांड, ओके, यहाँ पर न्यूज प्लस में, ओके, थोड़ा सा टाइम ले रहा है इसे ओपन हो जाने दीजिए। तो इसी तरीके से चीजें चलती है, और इसी तरीके से जब चीजें चलती है तो यहाँ पर चीजें आपको फिर समझ में आती हुई नजर आएगी। शेयर ऑलरेडी यहाँ पर गिरा था लास्ट टाइम जब मैंने बताया था, यहाँ से देख सकते हैं अच्छी खासी जंप इस शेयर ने यहाँ पर दिलाया था, उसके बाद चीजें भागी थी, फिर दोबारा गिरा था, यहाँ से देखे तो 34% के यहाँ पर रिटर्न्स आ रहे हैं, बट अभी यहाँ पर चीजें थोड़ा सा ऊपर भाग चुकी है ऑलरेडी, और यहाँ पर अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी यहाँ से लगभग 16% के 17% के रिटर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं, बट चीजें निकलेगी तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर दूर तक जाएगी, तो यहाँ पर देखें तो एक ब्रेकआउट भी यहाँ पर नजर आता है हमें। अगर ये यहाँ पर देखिए लास्ट टाइम यहाँ पर निकला भी था, ये इस लेवल को अगर क्रॉस कर लेती है यहाँ पर 4076 का जो कि यहाँ पर नजर आता है 4077 का, तो अगर इस लेवल को क्रॉस कर लेती है एक यहाँ पर जंप होगी इधर तक जाएगी और इधर से भी ब्रेकआउट होकर फिर ऊपर जाएगी, तो ये चीजें आपको समझनी होगी, इसके हिसाब से ही आप यहाँ पर आप प्ले कर सकते हैं। और यहाँ से अगर चीजें मुझे तो गिरती हुई नजर नहीं आती, और जब न्यूज हो तो तब तक बिल्कुल नहीं गिरती हुई नजर आती, तब तो ऊपर जाना ही यहाँ पर तय है। इसके अलावा दूसरी कंपनी से रिलेटेड बात कर लेते हैं, अगेन 10 का फेस वैल्यू, तो 1 के बदले 10 या 1 के बदले 5 शेयर यहाँ पर मिल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 52 वीक हाई की बात करें 1260 का है, और 52 वीक लो 480, और शेयर प्राइस कितना चल रहा है 1021, तो 1021 मतलब 1260 से 1021 देखें लगभग 200-250 रुपए शेयर ऑलरेडी नीचे चल रहा है, लगभग 51% की डिलीवरीज उठाई गई थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करूं तो लगभग 4% शेयर भागता हुआ नजर आया। और यहाँ पर भी देख सकते हैं कंपनी 18 तारीख, मतलब 18 तारीख कब है ये, 18 तारीख एक बार देख लेते हैं तो आपको समझ में आएगा, 18 तारीख मतलब ट्यूजडे को यहाँ पर इसके रिजल्ट आने हैं, जैसे ही रिजल्ट आएंगे यहाँ पर न्यूज भी आएगी स्प्लिट से रिलेटेड, ओके, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, बट स्टिल यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट और उसकी न्यूज आती हुई दिखाई दे सकती है, और जैसे ही स्टॉक की न्यूज आएगी तो आपका ये शेयर फिर दोबारा भागता हुआ नजर आएगा। और टारगेट जो सबसे पहला टारगेट की बात करें तो यहाँ पर 1260 है वो तो अचीव होना ही होना है, और ये शेयर एक ऐसा शेयर है जिसकी बुक वैल्यू, जिसके पास ऑर्डर बुक की अगर बात करें बहुत सारे ऑर्डर आए हुए ऑलरेडी, उन पर काम कर रही है, ऑटो एंसिलरीज की बहुत बेहतरीन कंपनी है, बेहतरीन रिजल्ट, बेहतरीन चार्ट पैटर्न, एवरीथिंग इज गुड, और यहाँ
पर ये कंपनी ईवी में प्ले कर रही है, और ईवी में जो कंपनी प्ले कर रही है तो याद रखिए पैसे तो बन रही है। कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है रामकृष्ण फोर्जिंग, आरके फोर्जिंग के नाम से भी इसे जानते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग सेल्स ऑफ फोर्ज कंपनी है, बनाती हुई नजर आती है रेल्स, वैगन, इंजीनियरिंग पार्ट्स, ऑटोमोबाइल्स के लिए प्रोडक्ट्स बनाती है। स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी और इसी तरीके से भागती है, और जब गिरी थी 1260 से यहाँ पर 900 रुपए पे आ गई थी, तो गिरावट भी उसी तरीके से होती है, भागती भी उसी तरीके से। जब गिरी थी तब मैंने आपको यहाँ पर खरीदवाया भी था। डेट की बात करें कंपनी के ऊपर लगभग 141% का डेट है, थोड़ा सा डेट ज्यादा है, 26 के PE पे यहाँ पर शेयर चल रहा है, 1260 से यहाँ पर गिर के अच्छा खासा यहाँ पर गिरावट हो चुकी है। और ये शेयर एक ऐसा बेहतरीन शेयर है, मैं फिर बता रहा हूँ, कि जिसने अच्छे खासे पैसे ऑलरेडी यहाँ पर बनवाए। यहाँ पर देख सकते हैं चार्ट पैटर्न, जब भी इस तरीके की गिरावट हुई है कंसोलिडेट करके चीजें ऊपर गई है, फिर गिरावट हुई है, फिर ऊपर गई है, फिर गिरावट हुई है, फिर ऊपर। और यहाँ पर अगर बात करें तो दोबारा देखिए ये शेयर 1260 से 900 रुपए के आसपास आता हुआ दिखाई दिया था, और फिर दोबारा देखिए भागता हुआ नजर आ रहा है। चीजें इसी तरीके से चलती है, और ऑटो इंडस्ट्री अभी यहाँ पर बूम पे है, तो यहाँ पर ये शेयर और भागता हुआ नजर आएगा। और तब जब शेयर गिर रहा है, और जस्ट बिकॉज ऑफ किस रीजन से गिरा था, क्योंकि स्टॉक मार्केट में सेलिंग आई थी जस्ट बिकॉज ऑफ FIs, तो यहाँ पर जब FIs यहाँ पर बेच रहे थे इस वजह से शेयर गिरा था, वरना यहाँ पर शेयर गिरने की कोई गुंजाइश नहीं थी। क्यों? क्योंकि 579 करोड़ की हाईएस्ट एवर सेल्स थी। नेट प्रॉफिट की बात करें यहाँ पर देख सकते हैं 50 करोड़, जो कि क्वार्टरली और एनुअली बेसिस पे हाईएस्ट एवर था। यहाँ पर हाईएस्ट एवर देखिए यहाँ पर कंपनी का रिजल्ट थे। इसके अलावा ईयरली बेसिस पे बात करें कंपनी का 284 करोड़ से 2000 करोड़ की कंपनी यहाँ पर सेल्स दिखा रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें 11 करोड़ से 127 करोड़, तो कंपनी की ग्रोथ यहाँ पर से साफ नजर आती है। तो जब ऐसी कंपनी आपको मिल रही हो, और जस्ट बिकॉज थोड़ा सा इंटरेस्ट ज्यादा है कंपनी, अगर ये एक कंपनी अपने आपको डेट फ्री कर लेना, तो याद रखिए ये शेयर यहाँ पर और भी भागता हुआ दिखाई दे सकता है, बट छोटी कंपनी है तो वो समझ सकते हैं। रिजर्व्स की बात करें 932 करोड़ के रिजर्व्स है, बोरिंग थोड़ी ज्यादा है 1356 करोड़ की बढ़ती हुई नजर आ रही है, बट यहाँ पर वर्किंग प्रोग्रेस में 112 करोड़ रुपए लगे हुए हैं। इससे पहले भी यहाँ पर कंपनी ने ज्यादा पैसे यहाँ पर वर्किंग प्रोग्रेस में तो जो काम हो चुका है थोड़ा बहुत, तो यहाँ पर चीजें बढ़नी है। इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर अच्छा खासा है कंपनी का, 19 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है, 28 करोड़ के आसपास का जो भी पैसा आता है बुक में दिखाई देता है, एज वेल एज यहाँ पर आरओसी थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आ रहा है, बट धीरे धीरे फिर बढ़ेगा। प्रमोटर्स की होल्डिंग 46.04, यहाँ पर देखिए प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग लगातार बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर देखिए 45.9 थी, फिर 99 करी, फिर 02 करी, और फिर 04, यहाँ देखिए प्रमोटर्स होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। FIs की होल्डिंग यहाँ पर FIs की बिकवाली हुई थी जिस वजह से शेयर नीचे आया था, फिर भी 14% के आसपास की हिस्सेदारी है। जो बिकवाली हुई थी वो यहाँ पर DIS ने थोड़ी सी खरीद ली थी, DIS ने होल्डिंग बढ़ाई है, और थोड़ी सी हिस्सेदारी यहाँ पर पब्लिक ने खरीद ली थी। पब्लिक में 32% की हिस्सेदारी है, बट 32 में भी देखेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3, 2, 5, 6, 2, 8, 9, 10, 11 लगभग 11% की हिस्सेदारी यहाँ पर नजर आती है। तो लगभग अगर बात करें 20-21% की हिस्सेदारी पब्लिक के पास नजर आती है, और छोटी सी कंपनी है, कोई भी इसे हिला सकता है। और इसके अलावा जब यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट की न्यूज हो तो याद रखिए ऐसे शेयर यहाँ पर भागते हुए नजर आते हैं। रामकृष्ण फोर्जिंग इस पर्टिकुलर कंपनी का नाम है। ओके, यहाँ पर चीजें देख लेते हैं, यहाँ पर चीजें देखेंगे तो समझ में आएगा, तो थोड़ा सा यहाँ पर टाइम ले रहा है। ओके हाँ, देखिए तो देखिए राउंडिंग बॉटम बनाते हुए, और आपको पता ही है जब राउंडिंग बॉटम यहाँ पर चलता है तो देखिए टारगेट अचीव होता है, टारगेट तो अचीव होता ही होता है। इसके अलावा अगर बात करें चीजें यहाँ पर और भी ज्यादा निकलती हुई नजर आती है, तो यहाँ पर देखिए राउंडिंग बॉटम बना रहा है, और यहाँ पर ब्रेकआउट की एक बात करें तो देखिए यहाँ पर खुद ही अगर ये इसका जो ये खुद का लेवल था लास्ट 1045 का जो 33 पे चल रहा है यहाँ पर निकालता है, तो धीरे धीरे चीजें यहाँ पर बढ़ेगी, और बढ़ के यहाँ पर इसका जो टारगेट है यहाँ पर देखिए 23% के अभी भी रिटर्न्स आ रहे हैं, तो 23% तक जाएगी, बट यहाँ पर 23% पे रुकनी नहीं है, चीजें और ऊपर जाती हुई दिखाई दे सकती है जब स्टॉक स्प्लिट की न्यूज आएगी, जब स्टॉक स्प्लिट के बारे में यहाँ पर बातें होंगी। और एक कंसोलिडेशन अगर बात करें तो अगस्त से लेके अभी तक लगभग 6-7 महीने का कंसोलिडेशन हो चुका है, तो ये कंसोलिडेशन भी हो गया है, सब कुछ हो गया है, शेयर गिर चुका है, अब दोबारा भागने पे है, हाईएस्ट एवर रिटर्न्स है। रिजल्ट एक बार आने दीजिए, रिजल्ट अगर अच्छे आते हैं तो दोबारा यहाँ पर आप ले सकते हैं शेयर को, अच्छे खासे रिटर्न बनेंगे, पैसा बनेगा, और वॉल्यूम भी अच्छे खासे आ ही रहे हैं, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कंपनी काफी बेहतरीन है, ऑर्डर बुक अच्छी खासी है, बहुत सारे ऑर्डर इन्हें अलग अलग कंपनी से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, एवरीथिंग इज गुड। तो 23% के रिटर्न जो कि हमारा टारगेट होता है 6 महीने में मिल जाए, वही अगर मिल जाए तो और क्या चाहिए। और इसके अलावा जब यहाँ से निकलेगा चीजें तो और ऊपर तक, शायद 1500 रुपए तक भी, ऐसी चीजें जब न्यूज आती है तो
भाग जाती है, ऐसी कोई जो बात नहीं है। प्रमोटर ऑपरेटर जो भगाना चाहते हैं भगा देते हैं। नीचे के लेवल की बात करें तो नीचे का लेवल ये इंटैक्ट है, ओके 876 रुपए के आसपास, और अभी जो सपोर्ट नजर आता है 968 का, बट चीजें ऊपर नजर आती है। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। दोनों स्टॉक जुबिलेंट फूड वर्क, रामकेश फोर्जिंग फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, इनकी तरफ नजरें बना सकते हैं। अगर गिरावट भी होती है एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं, फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सपोर्ट करना, यहाँ पर पर्टिकुलर नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।